मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज टैगो चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूँ। बच्चों, इससे पहले वीडियो लेक्चर में फाइलम पॉलीफेरा को कंप्लीट किया था। आज का अपना टॉपिक है फाइलम सीलेंटेटा। कौन सा फाइलम? फाइलम सीलेंटेटा। सीलेंटेरेटा, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सीलेंटेरेटा। और फाइलम को क्या लिख सकते हैं? संघ। मैंने आपको संघ की परिभाषा पहले कई बार बता दी है। मैंने आपको बताया था कि वर्गीकरण में जो बृहत समूह होते हैं, जो बड़े समूह होते हैं, उन बड़े समूह को हम क्या कह रहे होते हैं? फाइलम कह रहे होते हैं या संघ कह रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो हमारा फाइलम सीलेंटेटा है, इसमें भी पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वो दो स्तरीय होते हैं। कितने स्तरों से बने होते हैं? दो स्तरों से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। और इनमें मुख्य गुहा पाई जाती है जिसका नाम होता है सीलेंट्रॉन। इसीलिए इस फाइलम को सीलेंटेटा नाम दिया गया। एक वैज्ञानिक थे लीपार्ट, उन्होंने इसे सीलेंटेटा नाम दे दिया। दूसरी चीज ये होती है कि इनमें पाए जाने वाले जंतुओं की बाह्य सतह पर विशेष प्रकार की दंश कोशिकाएं नीडोब्लास्ट पाई जाती हैं। इसलिए एक वैज्ञानिक थे हैशेक नामक वैज्ञानिक ने इन सारे जंतुओं को निडेरिया में रखा, अर्थात उन्होंने फाइलम सीलेंटेटा का दूसरा नाम क्या रखा? फाइलम निडेरिया, ठीक है ना। अब देखिए, इसको अगर हम शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें तो ये जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका, इटिमोलॉजिकल मीनिंग, इसमें एक वर्ड आता है सील, और इस सील का मतलब होता है हॉलो। हॉलो मीन्स खोखला, और इसके आगे जोड़ते हैं एंटेरॉन, ठीक है। अब इसको और इसको अगर जोड़ेंगे तो सीलेंट्रॉन हो जाएगा ना। इस सीलेंट्रॉन को यहां पर इंटेस्टाइन कह सकते हैं। इंटेस्टाइन का मतलब है एक खोखले पाइप की तरह, अर्थात इन दोनों को मिला के इसको कह रहे होते हैं खोखली नाल। और इनमें जो खोखली नाल है, ये कौन सी गुहा होती है? सीलेंट्रॉन। कौन सी? सीलेंट्रॉन। इस सीलेंट्रॉन के कारण ही इस संघ को नाम क्या दिया गया है? सीलेंटेटा। क्या नाम दिया गया है? सीलेंटेटा, ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस संघ में पाए जाने वाले, इस संघ में पाए जाने वाले जंतु भी दो स्तरीय होते हैं, दो स्तरीय होते हैं, जिनमें मुख्य गुहा पाई जाती है, मुख्य गुहा पाई जाती है। इस मुख्य गुहा को, या फिर लिख सकते हो जिसे
सिलेंड्रॉन कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इसे कौन सा नाम दिया गया, सिलेंड्रेटर, ठीक है, इसलिए इसे सिलेंड्रेटर कहा जाता है या कहा गया। क्लियर हो गया। दूसरी चीज यह होती है कि इन जंतुओं की बाह्य सतह पर दंश पोषणाएं पाई जाती हैं। इनको कहते हैं नीडोब्लास्ट। दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस कारण से इस या इसे निडेरिया भी कहा जाता है, निडेरिया, NIDARIA, सी साइलेंट रहता है इसमें, निडेरिया कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम फाइलम सिलेंड्रेटा को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, निडेरिया भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें हम बता सकते हैं फाइलम सिलेंड्रेटा नाम ल्यूकार्ड, ये वैज्ञानिक का नाम है, 47 द्वारा दिया गया। ठीक है, जबकि निडेरिया नाम हैशटैग द्वारा दिया गया। ठीक है, इस फाइलम में या इस संघ में, इस संघ में लगभग 10,000 जातियां पाई जाती हैं। कितनी जातियां पाई जाती हैं, लगभग 10,000 जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए सिलेंड्रेटा कह लीजिए या निडेरिया कह लीजिए। सिलेंड्रेटा क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें एक सिलेंड्रॉन गुहा पाई जाती है जो जंतु के आधार से लेकर के शरीर के मध्य में शिखर तक पड़ी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके पश्चात इसके लेते हैं मैन कैरेक्टर्स। जैसे आपको फाइलम पॉलीफेरा में मैन कैरेक्टर्स बताए थे, वैसे ही
इसमें आप बता सकते हो फाइलम सीलेंटेटा में मैन करेक्टर्स, इनको हम कह रहे होते हैं मुख्य लक्षण। अब देखिए इसमें जो मुख्य लक्षण है वो जैसे आपने पॉलीफेरा में पढ़ा था वैसे ही बताना है। सबसे पहले हम बता रहे होते हैं कि इस संघ में पाए जाने वाले अधिकांश जंतु समुद्री वासी होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? समुद्र में, मैरिन वाटर में। लेकिन कुछ जंतु स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए सेकंड पॉइंट, इसमें हम बता रहे होते हैं जंतु स्थानबद्ध या स्वतंत्र जीवी होते हैं। इसका मतलब होता है सीडेंट्री, स्थानबद्ध, किसी आधार से चिपके हुए पाए जाते हैं, अथवा फ्री लिविंग्स होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, अपने आप वो रह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये एकल या निवही होते हैं। एकल का मतलब है अकेले, निवई का मतलब है समूह बनाकर। तो ये जो दोनों पॉइंट है फाइलम पॉलीफेरा की ही तरह है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि पहला जो अधिकांश जंतु है लवणीय जल में होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर मैक्सिमम एनिमल्स आर मैरिन वाटर, सम आर इन फ्रेश वाटर। दूसरा यहाँ पर कुछ कैसे होते हैं, सीडेंटरी होते हैं, कुछ फ्री लिविंग्स होते हैं, कुछ यहाँ पर सॉलिटरी होते हैं, कुछ कॉलोनियल होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, अधिकांश जंतुओं में आर्य सम्मिति पाई जाती है, लेकिन कुछ में दो आर्य सम्मिति भी होती है, बाइरेडियल दोई आर्य सम्मिति भी पाई जाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट, जो शारीरिक संगठन होता है, मैंने फाइलम पॉलीफेरा में बताया था कैसा होता है, सेलुलर कोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, बहुकोशिक प्राणी होते हैं। इसमें भी बहुकोशिक प्राणी होते हैं लेकिन
शरीर या शारीरिक संगठन ऊतक स्तर का हो जाता है। शारीरिक संगठन कोशिकीय ऊतक स्तर का होता है। अंग एवं अंग तंत्र नहीं बनते या नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। ठीक है, इसके पश्चात नंबर 5, शारीरिक संगठन के बाद इसमें हम देख रहे होते हैं जो जंतु होते हैं उनका शरीर कैसा होता है, द्विस्तरीय। जंतुओं का शरीर द्विस्तरीय होता है। बाहर वाली सतह एपिडर्मिस जिसको चाहो तो आधी चर्म भी कह सकते हो, ऊपर वाली पर तथा आंतरिक सतह है। सतह को आप चाहो तो स्तर भी कह सकते हो, बाहरी स्तर और आंतरिक स्तर। एंडोडर्मिस होती है अंतः चर्म, एंडोडर्मिस होती है। ठीक है, और इन दोनों स्तरों के मध्य आकोषिक एसेलुलर मेसोबिलिया ऊतक भरा होता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 6, इन जंतुओं में पाचन अंतः एवं बाह्य कोशिकीय प्रकार का होता है। आपको मैंने फाइलम पॉलीफेरा में बताया था कि जो डाइजेशन होता है वहां पर इंट्रासेलुलर होता है। कैसा होता है? इंट्रासेलुलर। यहां पर कैसा बता रहे हो आप? अंतःकोशिकीय भी और बाह्य कोशिकीय भी, दोनों तरह का होता है। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, दोनों प्रकार का बोथ टाइप डाइजेशन पाया जाता है।
पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम और आगे एलोबरेट कर देते हैं। कितने पॉइंट हो गए हमारे? 6 पॉइंट हो गए। किसमें है ये? फाइलम सीलेंटेटा में। ठीक है, आगे इसमें हम बता सकते हैं जंतु द्विरूपी होते हैं, जिन्हें जीवक या जूस कहा जाता है। कैसे प्राणी होते हैं? द्विरूपी। एक जो रूप होता है वो तो होता है पॉलिप, कैसा होता है? पॉलिप। पॉलिप में क्या होगा? जंतु बेलनाकार एवं स्थानबद्ध होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं मीन्स सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, और कैसे होते हैं? सीडेंट्री, एक जगह पर, तथा अलैंगिक अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था? अलैंगिक अवस्था पाई जाती है। ठीक है, दूसरा जो रूप होता है वो होता है मेड्यूसा। एक पॉलिप, दूसरा मेड्यूसा। मेड्यूसा कैसे होते हैं? इसमें जो जंतु होते हैं ये जंतु छत्राकार, छत्राकार का मतलब है छाती के आकार के, एवं स्वतंत्र जीवी होते हैं, फ्री लिविंग, स्वतंत्र जीवी होते हैं। ठीक है, वहां अलैंगिक अवस्था है, तो यहां पर कैसी अवस्था बताओगे? तथा लैंगिक अवस्था पाई जाती है। लैंगिक अवस्था पाई जाती है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट नंबर 8, इसमें हम बता रहे होते हैं जंतुओं में श्वसन कोमा उत्सर्जन तथा परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते ठीक है, जंतु किससे सांस लेते हैं? जंतु सामान्य
शारीरिक सतह द्वारा श्वसन करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है ना। सामान्य जो सतह होती है, जनरल बॉडी सरफेस से ही ये श्वसन कर रहे होते हैं। इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता, ना इनमें उत्सर्जन तंत्र होता है और ना ही परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। इसके पश्चात नवा पॉइंट, इनमें शरीर के मध्य में आधार से शिखर तक एक गुहा पाई जाती है, गुहा पाई जाती है जिसे सीलेंड्रॉन गुहा कह देते हैं, जिसे सीलेंड्रॉन कह देते हैं। इनका नाम इसी गुहा के कारण पड़ा है, इसी के कारण ल्यूकार्ड ने इन जंतुओं को कौन से फाइलम में रख दिया, सीलेंटेटा फाइलम में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जंतुओं में शिखर वाले भाग पर एक छिद्र पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है जिसे मुख कह देते हैं, क्या कह देते हैं, मुख कह देते हैं। यह छिद्र मुख एवं गुदा दोनों का कार्य करता है, दोनों का कार्य करता है, ठीक है। अर्थात फाइलम सीलेंटेटा में पाए जाने वाले जंतुओं में गुदा नहीं पाई जाती है, केवल शिखर वाले भाग पर क्या होता है, मुख होता है अपर्चर। जो शिखर वाले भाग पर पाए जाने वाला अपर्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज माउथ, उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, मुख कह रहे होते हैं। ये जो अपर्चर होता है ये मुख के साथ साथ किसका काम कर रहा होता है, गुदा का भी काम करता है। अर्थात जो छिद्र है वो मुख और गुदा दोनों का काम कर रहा होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, ये जो मुख होता है इसके चारों तरफ खोखले स्पर्शक पाए जाते हैं, मुख के चारों तरफ खोखले स्पर्शक टेंटेकिल्स
ठीक है। ये जो स्पर्शक हैं ये क्या करते हैं, ये शिकार को पकड़ने, शिकार का मतलब है भोजन, शिकार को पकड़ने तथा गमन, गमन का मतलब होता है लोकोमोशन, सहायता करते हैं। सहायता करते हैं ठीक है। नेक्स्ट 12वां पॉइंट, जंतुओं की बाह्य सतह पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शिकार को पकड़ने, कोमा आत्मरक्षा तथा गमन में सहायक होती हैं। गमन में सहायता करती हैं। ठीक है, दंश कोशिकाओं का पाया जाना इस फाइलम की विशेषता होती है। दंश कोशिकाओं की उपस्थिति इस संघ की विशेषता को दर्शाता है, विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, ओके।